हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर वेव्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कर रहे हैं, और वो डेरिवेशन है फॉर द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एंड लैपलेसिस करेक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? न्यूटन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया, जिस फॉर्मूले की हेल्प से न्यूटन ने साउंड की वेलोसिटी निकाली एयर में, पर वो वेलोसिटी की वैल्यू आई गलत, तो उसको करेक्ट किया एक और साइंटिस्ट लैपलेस ने कि न्यूटन के फॉर्मूले में ये गलती है। उसने सही फॉर्मूला डिराइव किया और सही वैल्यू निकाली। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो जिन स्कूल्स में ये टॉपिक कराया है उनके लिए, फाइनल एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं बच्चों। पहले से आपको क्या पता होना चाहिए? पहले से आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ मीडियम। एक मीडियम में किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी जो है वो ये होती है। अभी टर्म्स के मीनिंग में आपको बताता हूं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव, की वेव ऐसे पास हुई है ना, डिस्टर्बेंस ऐसे गया, तो जहां जहां से डिस्टर्बेंस गुजरा वहां वहां से उस मीडियम के पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगे। और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वेव, कि जैसे ये डिस्टर्बेंस गया तो मीडियम के पार्टिकल्स डिस्टर्बेंस के अलोंग ऑसिलेट करने लगे। ट्रांसवर्स वेव में जो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल, वो डिस्टर्बेंस यानी वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कर रहा है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है वो डिस्टर्बेंस की डायरेक्शन में कर रहा है। तो साउंड ऐसी ही वेव होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वेलोसिटी किसी भी मीडियम में जो होती है वो अंडर रूट बी बाय रो होती है। यहां पर बी होता है बल्क मॉड्यूलस ऑफ मीडियम। याद है बल्क मॉड्यूलस? नहीं याद? बल्क मॉड्यूलस ऑफ द मीडियम। बल्क मॉड्यूलस क्या होता था? ये हमने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। बल्क मॉड्यूलस होता है अगर किसी भी मीडियम के, किसी भी मटेरियल के किसी जगह का प्रेशर डेल्टा पी चेंज किया जाए और उसकी वजह से उसकी वॉल्यूम डेल्टा वी चेंज हो जाए और उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम वी रहे, सो दिस इज द बल्क मॉड्यूलस। दिस इज द बल्क मॉड्यूलस, चेंज इन प्रेशर विच इज कॉल्ड द स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाय वी। और अगर बहुत स्मॉल चेंज की बात करें तो बहुत स्मॉल चेंज के लिए आप डेल्टा की जगह डीपी लिख लो, डेल्टा वी की जगह डीवी लिख लो, डिवाइडेड बाय वी। सो ये होता है बल्क मॉड्यूलस। दूसरा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है किसी भी मीडियम से साउंड की जो वेलोसिटी है वो। तो बच्चों एक बात जरा ध्यान से समझ लेना, जैसे बल्क मॉड्यूलस के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अगर ये v ऊपर चला जाएगा तो b की वैल्यू क्या आएगी? b की वैल्यू आएगी dp, v ऊपर चला गया, डिवाइडेड बाय dv। तो dv जितना कम, बल्क मॉड्यूलस उतना ज्यादा। यानी आपने एक प्रेशर बढ़ाया किसी जगह पर, प्रेशर चेंज किया, उससे वो मीडियम जो है या वो मटेरियल जो है वो कम दबा, यानी उसकी वॉल्यूम में कम चेंज हुआ, तो मतलब उसका बी ज्यादा होगा। अगर उतने ही प्रेशर से कोई चीज ज्यादा दबती है यानी उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज होता है तो उसका बी कम होगा। जैसे गैसेस हैं, गैसेस बहुत आसानी से दब जाती हैं, तो गैसेस का डीवी बहुत ज्यादा होगा तो बी कम होगा। सॉलिड्स बहुत मुश्किल से दबते हैं, तो एक सेम चेंज ऑफ प्रेशर के लिए सॉलिड कम दबेगा, मतलब उसमें वॉल्यूम चेंज कम रहेगा तो उसका बी ज्यादा रहेगा। और जो चीज बिल्कुल नहीं दबती, जिसका डीवी जीरो रहेगा, उसका बी इनफाइनाइट रहेगा। तो सॉलिड्स का बल्क मॉड्यूलस सबसे ज्यादा, लिक्विड्स का बल्क मॉड्यूलस उससे कम, गैसेस का सबसे कम। तो सबसे ज्यादा बल्क मॉड्यूलस सॉलिड का, इसलिए सबसे ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड सॉलिड्स में सबसे ज्यादा है, देन लिक्विड्स में, देन गैसेस में। ठीक है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए। अब न्यूटन ने इस फॉर्मूले को यूज करके एक फॉर्मूला डिराइव किया। किस एजम्पशन को यूज करके? न्यूटन ने एज्यूम किया कि जब साउंड किसी मीडियम से ट्रेवल करता है, वैसे तो ये किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए है फॉर्मूला, बट अभी हम स्पेसिफिकली साउंड की ही बात करेंगे, साउंड वेव की बात करेंगे। तो साउंड जब किसी रीजन से पास होता है तो आप जानते हो कि कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस बनती हैं, ऐसे 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 पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो कभी तो पास आ जाते हैं। तो दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन, जहां पर पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए और फिर पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ रेयरफैक्शन, है ना, ऐसे फिर कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, ऐसे चलता है। तो आप जानते हो अपने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर से
कि जब भी गैस कंप्रेस होती है, गैस के पार्टिकल्स ही तो हैं, जब भी गैस कंप्रेस होती है हीट पैदा होती है, और जब गैस एक्सपेंड होती है तो गैस ठंडी हो जाती है। तो न्यूटन ने कहा कि जब यह साउंड ऐसे प्रोपेगेट करेगा तो कंप्रेशन से जो हीट पैदा होगी, हीट पैदा हुई तो जैसे ही कंप्रेशन के जो बगल वाली रेयर फ्रैक्शन है, जो सराउंडिंग नेबरिंग रेयर फ्रैक्शन है, उसमें पार्टिकल्स दूर दूर गए तो वो ठंडी हुई, तो यहां हीट पैदा हुई। जैसे ही हीट पैदा हुई उसने बगल वाली रेयर फ्रैक्शन को दे दी कि ले भाई हीट, और वो ठंडी होने से बच गई, ये गर्म होने से बच गई। समझ रहे हो ना, यहां पर हीट पैदा हुई इधर चली गई, ये एक्सपेंड हुई तो इसको हीट ऑलरेडी मिल चुकी है तो ये ठंडी नहीं होगी, फिर कंप्रेस हुई फिर हीट पैदा हुई फिर साथ वाली रेयर फ्रैक्शन को दी। यानी कि हर कंप्रेशन में जो हीट पैदा हो रही है, हर कंप्रेशन में जो हीट बन रही है, वो हीट सराउंडिंग रेयर फ्रैक्शन को दे दी जाती है और उसका टेम्परेचर डाउन होने से बच जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है जब साउंड प्रोपेगेट करता है एयर में। कंप्रेशन के दौरान जो हीट प्रोड्यूस होती है वो सराउंडिंग रेयर फ्रैक्शन को दे दी जाती है ताकि वो ठंडी होने से बच जाए, और ये भी गर्म होने से बच गई क्योंकि इसने अपनी हीट निकाल के उसको दे दी, वो भी ठंडी होने से बच गई क्योंकि इसने इसकी हीट ले ली। तो जब साउंड प्रोपेगेट करता है किसी रीजन से तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। तो न्यूटन ने कहा कि लेट अस अज्यूम दैट द प्रोसेस ऑफ दिस प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, और उसने बोला कि अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, बॉयल्स लॉ पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये लगा ली जाए। इसको लगाया और दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट किया। अब ये दोनों वेरिएबल हैं पी और वी, तो इनको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा यूजिंग प्रोडक्ट रूल। डिफ्रेंशिएशन तो आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही आनी चाहिए, ज्यादा नहीं। इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा नॉट विद रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, डायरेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैसे पी एज इट इज वी का डेरिवेटिव डी वी प्लस वी एज इट इज पी का डेरिवेटिव डी पी, यही तो होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो अगर आप यहां से देखें तो पी आएगा माइनस डी पी इंटू वी, ये उधर चला गया और ये नीचे चला गया बाय डी वी। अब यहां पे देखो माइनस डी पी इंटू वी बाय डी वी, माइनस डी पी इंटू वी बाय डी वी, ये तो बल्क मॉडुलस है। तो न्यूटन ने बोला कि किसी भी मीडियम का बल्क मॉडुलस क्या है, उसका प्रेशर। तो उसने बोला कि बी की जगह यहां पी डाल दो तो तुम्हें साउंड की जो स्पीड है एयर में वो मिलनी चाहिए, और मिलेगी भी वैल्यू अगर न्यूटन करेक्ट था। ऐसा नहीं है कि न्यूटन जो था वो वैल्यू निकाल रहा था साउंड की स्पीड की वैल्यू निकाल रहा था, नहीं, वो तो पहले से पता थी ना। साउंड की स्पीड निकालने के लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिंपल सी बात है यार, एको मेथड है। एको मेथड आप जानते हो ना कि किसी भी पहाड़ी के पास जाके आप साउंड प्रोड्यूस करो और एको कितनी देर बाद सुनती है उसका टाइम नोट कर लो और ये डिस्टेंस आपको पता रहेगा, तो जाने और आने में साउंड ने टोटल 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये डिस्टेंस x है तो कितनी देर बाद एको सुनाई दी, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो साउंड की स्पीड तो हमको पहले से पता थी, दिस इज अराउंड 332 मीटर पर सेकेंड, 331 पॉइंट समथिंग समथिंग मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 331.5 होती है एग्जैक्ट बात करें तो। तो ये तो पहले से पता थी। अब न्यूटन ने कहा कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जैसे इस जगह पर मैं खड़ा हूं तो यहाँ पे प्रेशर कितना, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे विच इज 101325 पास्कल बाय डेंसिटी ऑफ एयर 1.293, ये वैल्यू निकाल लो, और ये 331 आनी चाहिए लेकिन ये आई 280 मीटर पर सेकेंड, जो कि गलत थी। कितनी गलत थी, इसमें लगभग 16% का एरर आएगा अगर आप एरर निकालो, 16% का एरर आएगा। ओरिजिनल वैल्यू अगर मैं 332 ले लूं तो एरर होगा 332 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 332 इनटू 100, सो दिस गिव्स अराउंड 15 पॉइंट समथिंग का एरर, विच इज बहुत ज्यादा जो बहुत ज्यादा है, विच इज बहुत ज्यादा, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब कुछ बेसिक मिस्टेक हो गई है। उस बेसिक मिस्टेक को पकड़ा एक और साइंटिस्ट ने जिसका नाम था लैपलेस, और उसने जो डेरिवेशन करी करेक्ट फॉर्मूले की उसे बोला जाता है लैपलेसिस करेक्शन। अब हम वो देखते हैं। तो लैपलेस ने बोला कि न्यूटन भैया एक जगह पर आप गलती कर गए, वो गलती ये थी कि आपने एज्यूम किया कि
कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज नॉट एन आइसोथर्मल प्रोसेस, इट इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें कोई हीट लॉस नहीं होता है, सराउंडिंग में हीट लॉस होता ही नहीं है। अब उसने क्यों बोला कि यह प्रोसेस एडियाबैटिक है, उसने दो बड़े आर्ग्यूमेंट्स दिए। उसने बोला पहली बात तो कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस इतना फास्ट होती हैं कि इस हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं होगा। जितनी देर में आप कह रहे हो कि हीट निकल के कंप्रेशन से रेयरफैक्शन में जाएगी, उतनी देर में तो और कई कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस हो जाएंगी। तो ये इतना फास्ट हो रहा है कि हीट एक्सचेंज का टाइम ही नहीं होता। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स ठीक से पढ़ा तो आपको पता होगा कि जो सडन प्रोसेस होता है, जो एकदम से होता है, वो एडियाबैटिक होता है, आइसोथर्मल नहीं होता। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है न्यूटन भैया, आइसोथर्मल नहीं है। और दूसरा, किस में बात कर रहे हो, एयर में बात कर रहे हो, तो एयर क्या कंडक्टर है जो इतना फ्रीली हीट निकल के वहां चली गई, वहां से यहां आ गई? कंडक्टर नहीं है ना, एयर तो इंसुलेटर है। तो ऐसे कैसे फ्री एक्सचेंज हो सकता है हीट का? तो दो आर्ग्यूमेंट उसने दिए। पहला आर्ग्यूमेंट ये कि जो इसके एडियाबैटिक होने का, इस प्रोसेस के, द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसके आर्ग्यूमेंट में पहली चीज उसने ये कही कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बहुत सडन होती हैं, हीट एक्सचेंज का टाइम नहीं होता। दूसरी बात उसने ये कही कि एयर जो है वो इंसुलेटर है, तो ऐसा फ्री हीट एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। तो उसने बोला कि एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगाओ, आइसोथर्मल वाली मत लगाओ। और एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पीवी रेस टू पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा याद है ना आपको, सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट पी एज इट इज, वी रेस टू पावर गामा का डेरिवेटिव क्या होगा? एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आप डिफरेंशिएशन का याद रखें, जो अब तक आपको याद होगा ही, तो आपकी 11th की तो पूरी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगी लाइफ। एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी किसी भी वेरिएबल की जो भी पावर है, पावर फुदक के आगे आ जाती है और यहां से पावर एक कम हो जाती है, यानी एक्स क्यूब अगर ये हो तो 3x स्क्वायर। तो गामा कांस्टेंट है, फुदक के आगे आ गया, वी की पावर गामा माइनस वन हो गया, और हम इंडिपेंडेंटली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगर हम वी को कर रहे हैं तो हम डीवी लिखेंगे साथ में, और पी को कर रहे हैं तो डीपी लिखेंगे, जैसे यहां हमने लिखा। पी का डेरिवेटिव वैसे वन आया है, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है ना, तो पी का डेरिवेटिव यहां वन आया, लेकिन वन मैंने लिखा नहीं तो सिर्फ डीपी लिखा। यहां वी का डेरिवेटिव वन आया, मैंने सिर्फ डीवी लिखा, बट यहां तो वी रेस टू पावर गामा का डेरिवेटिव ये आया ना, और वी को डिफरेंशिएट करा तो डीवी लिखा, प्लस वी रेस टू पावर गामा एज इट इज, पी को डिफरेंशिएट करा तो वन आया, तो साथ में डीपी लिखा, इक्वल टू के का डेरिवेटिव हमने क्या लिखा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है जीरो। तो गामा पी वी रेस टू पावर गामा बाय वी लिख सकता हूं इसको, ये वी ऊपर आएगा, पावर माइनस वन हो जाएगी, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यही हो जाएगा, और वी रेस टू पावर गामा इंटू डी पी इक्वल टू जीरो। अच्छा जी, वी रेस टू पावर गामा, वी रेस टू पावर गामा कॉमन आ गया, उधर जाके जीरो हो गया, यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा गामा पी बाय वी डी वी प्लस डी पी, है ना, इक्वल टू जीरो। अब यहां पे गामा पी देखो क्या बचेगा, गामा पी डीवी उधर गया, डीपी उधर गया, सॉरी माइनस डीपी, फिर वी ऊपर चला गया और ये बचा हुआ डीवी नीचे चला गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बल्क मॉडुलस। तो लाप्लास ने बोला कि बल्क मॉडुलस जो है वो पी नहीं होता, गामा पी होता है। तो आपको अगर फॉर्मूला अपना बनाना है, न्यूटन ने जो बनाया कि बी की जगह पी डाल दिया, तो उसने जो बोला, लाप्लास ने बोला कि बी की जगह पी नहीं डालो, बी की जगह गामा इंटू पी डालो, और गामा की वैल्यू एयर के लिए 1.4 होती है, 7/5, 7/5 या 1.4 वैल्यू गामा की होती है डायटोमिक गैसेस के लिए, बट एयर 99% से ज्यादा डायटोमिक गैसेस से बनी है, नाइट्रोजन N2 ऑक्सीजन O2, तो एयर का भी हम गामा जो है वो 1.4 ही लेते हैं, तो 1.4 रूट में आ गया, और फिर अंडर रूट क्या बचा, पी बाय रो, जिसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं ऊपर 280, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई 331.3 मीटर पर सेकंड, विच इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आता है अगर आपका ये टॉपिक कराया स्कूल में, कि न्यूटन ने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या डिराइव किया, किस बेसिस पे डिराइव किया, उससे क्या वैल्यू आई, लैपलेस ने क्या उसमें मॉडिफिकेशंस करी, किस बेसिस पे करी, उसकी क्या वैल्यू आई। तो 3 से 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है ये,
तो इसके मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसमें इसके नोट्स दिए हुए हैं। तो सुन आपने यहाँ से लिया है प्रिपेयर, आप उन नोट्स में से कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।